एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि गोज विदाउट सेइंग क्या है, यानी हम स्पोकन इंग्लिश में कब बोले गोज विदाउट सेइंग। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा, कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया जो था नीडलेस टू से, और जिसका मीनिंग मैंने बताया, कहने की जरूरत नहीं है या बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने उस कंसेप्ट को समझा है तो मैं आपसे कहूंगा गोज विदाउट सेइंग को समझना आपके लिए बेहद आसान है, क्योंकि जो मीनिंग नीडलेस टू से का होता है वही मीनिंग गोज विदाउट सेइंग का होता है। यानी गोज विदाउट सेइंग का मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं है या बताने की जरूरत नहीं है, या इसमें कहने वाली कौन सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। कहने की जरूरत नहीं है कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट ओनली ही लिव्स हु इन्फ्यूजेस लाइफ इनटू अदर्स। यानी कहने की जरूरत नहीं है कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। कहने की जरूरत नहीं कि दिल वो दिल है जो औरों को धड़कन देता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट ओनली दैट हार्ट इज वर्दी विच शेयर्स इट हार्ट बीट विद अदर्स। यानी कहने की जरूरत नहीं कि दिल वो दिल है जो औरों को धड़कन देता है। बताने की जरूरत नहीं कि यह मेरी जिम्मेदारी है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बताने की जरूरत नहीं है कि यह मेरी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इट गोज विदाउट सेइंग क्या है या इसका किस सूरत में इस्तेमाल करना है। अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।